हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं स्पीच पाठशाला। आज हम यूपीपीसीएस आरओएआरओ 2011 का पेपर हल कर रहे हैं, जिसमें हम 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन में आप लोग ये देख सकते हैं कि क्या कह रहा है, कि कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो आप लोग इसका सही जवाब जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो सारस है। और निम्नलिखित में से कौन सा इब्न सुमेरिक नहीं है? तो इसमें आप लोग जानते हैं कि बृंदावन मंदिर जो मथुरा में है, और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, देवीपाटन मंदिर जो तुलसीपुर में है, और जेके मंदिर जो है ये भी मथुरा में वाराणसी में पड़ता है। इसलिए यहाँ पर ये बनारस ये लखनऊ दिया हो, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में किस फसल में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है? तो आप लोग जानते हैं चावल ये उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। अगला, ठुमरी गायिका गिरजा देवी किससे संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं बनारस घराना से संबंधित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण जो है ये गोरखपुर से प्रकाशित होती है। और 109 नंबर क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं आंवला पड़ते प्रतापगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। और आप लोग पहला बताइए कि रायबरेली किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग ये उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो ये करंट अफेयर का जवाब क्वेश्चन है, तो इससे हमें कोई लेना नहीं है क्योंकि ये हमारा पूछता नहीं है। अब हमारा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत राज में महिलाओं के लिए स्थान कितना % आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका जवाब आप लोग बताइए कि जो कुल स्थानों में 1/3 होता है, और उसके बाद में हमारा जो है महिलाओं की आबादी के अनुपात में कितना है, या कुल स्थानों का 1/4 दिया गया है। और इसके साथ साथ में जो अगला हमारा अगला ऑप्शन है कि परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार, तो आप लोग इसका सही जवाब बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो हम लोग अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो ये कुल स्थानों की जो होगी 1/3 के लिए होगी। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आता हो तो इसे आप लोग लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। एक बात याद रखिए कि आप लगातार अगर तैयारी करते रहे, मंजिल की ओर बढ़ चलते रहेंगे, तो रास्ते आपको एक दिन जरूरी मिल जाएंगे। तो मैं आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग मेहनत करके जी जान लगा के अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए तैयारी करते रहेंगे।